दोस्तों यूं तो हमारे सौर मंडल में कई सारे ग्रह मौजूद हैं और हर ग्रह की अपनी एक अलग विशेषता है, परंतु दोस्तों उन सभी ग्रहों में से हमारी धरती एक ऐसा ग्रह है जो सबसे अलग और अद्भुत माना जाता है, क्योंकि हमारी धरती पर जीवन का अस्तित्व है और धरती अपने आप में कई ऐसे रहस्यों को छुपाए हुए है जिनके बारे में तो हम इंसान शायद ही जान पाए। परंतु दोस्तों एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा सवाल जो हर किसी के दिमाग में उठता है, और वो ये है कि हमारी धरती के नीचे क्या है? क्या हमारी धरती शेषनाग पर टिकी हुई है या फिर धरती यूं ही अंतरिक्ष में लटक रही है? हालांकि दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब कुछ बुद्धिजीवी लोगों को पहले से ही पता होंगे, परंतु जिनको इसके बारे में पता नहीं उनके लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से ये बता दूंगा कि हमारी धरती के नीचे क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली हर रहस्यमय वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। दोस्तों धरती के नीचे क्या है, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आपको बता दूं कि इस प्रश्न के भी दो पहलू निकल कर सामने आते हैं। पहला ये कि हम जहाँ पर खड़े हैं उसके नीचे क्या है, यानी हम जहाँ पर खड़े हैं अगर वहाँ से धरती को खोदना शुरू किया जाए तो पृथ्वी को खोदते खोदते क्या हम पृथ्वी से बाहर या पृथ्वी के अंत तक पहुँच पाएंगे? और मान लीजिए कि अगर वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो वह कौन सी जगह होगी जहाँ पर हम बाहर निकलेंगे? अब बात करते हैं दूसरे पहलू की कि अगर पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाए तो पृथ्वी के नीचे क्या दिखेगा? क्या पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है या फिर पृथ्वी यूं ही अंतरिक्ष में लटक रही है? अब दोस्तों अगर आप भी पहले वाले पहलू की तरह सोचते हो कि हमारे पैरों के नीचे क्या है, यानी अगर धरती को खोदा जाए तो क्या धरती को खोदते खोदते हम पृथ्वी के अंत तक या पृथ्वी के बाहर पहुँच पाएंगे? और अगर वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो वह कौन सी जगह होगी जहाँ पर हम बाहर निकलेंगे? तो दोस्तों इस पहलू का उत्तर जानने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी के आकार और उसकी चंद्रशा के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों अगर पृथ्वी के आकार की बात की जाए तो पृथ्वी का आकार एक नारंगी की तरह लगभग गोल होता है, यानी पृथ्वी पूरी तरह गोल तो नहीं परंतु लगभग गोल होती है। अब बात करते हैं पृथ्वी की चंद्रशा की। तो दोस्तों पृथ्वी की चंद्रशा छलकीय होती है, अर्थात पृथ्वी अनेक प्रकार की परतों से मिलकर बनी हुई है। उदाहरण के लिए एक प्याज को देख लीजिए, जिस प्रकार एक प्याज अनेक प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है उसी प्रकार पृथ्वी भी अनेक प्रकार की परतों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें पृथ्वी के केंद्र में कोर नाम की परत मौजूद होती है और ये पूरी तरह मेटल से बनी हुई है और इसका तापमान 10,000 सेल्सियस डिग्री तक भी हो सकता है। इसके बाद मेंटल की लेयर आती है और मेंटल के बाद क्रस्ट की लेयर होती है। इस तरह हमारी पृथ्वी की संरचना होती है। ऐसे में दोस्तों अगर पृथ्वी को खोदा जाए तो जब हम पृथ्वी को खोदते खोदते पृथ्वी के केंद्र में मौजूद कोर तक पहुंचने लगेंगे उससे पहले ही जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में मौजूद इस लेयर का तापमान सूर्य जितना गर्म होता है और जैसा कि आपको पता है इतनी गर्म जगह में कोई भी चीज जलकर पिघलकर नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों पृथ्वी के आर पार जाना हकीकत में तो संभव नहीं, पर अगर काल्पनिक रूप से सोचा जाए तो मान लीजिए कि अगर पृथ्वी को एक वक्र पृष्ठ से खोदा जाए तो पृथ्वी को खोदते खोदते हम उसके विपरीत दिशा में मौजूद दूसरे वक्र पृष्ठ पर बाहर निकलेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसी जगह पर गड्ढा करते हैं जहां भारत है, और जब हम पृथ्वी को खोदते खोदते उसके आर पार दूसरे पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं तो दूसरा पृष्ठ भारत के विपरीत दिशा में मौजूद दूसरी कंट्री का होगा। अगर दोस्तों अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बॉल ले लीजिए और उस बॉल के एक पृष्ठ पर किसी लंबी सुई से सीधा सेध कर लीजिए और देखिए कि सुई कहाँ उस बॉल के आर पार निकली हुई है। आपको ये समझ आ जाएगा कि सुई पहले वक्र पृष्ठ के विपरीत दिशा में मौजूद दूसरे वक्र पृष्ठ पर निकलती है। ठीक पृथ्वी को भी इसी तरह खोदने पर हम उसकी दूसरी दिशा में मौजूद यानी उसकी विपरीत दिशा में मौजूद दूसरे वक्र पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वी इस तरह गोल है तो हम पृथ्वी से बाहर क्यों नहीं गिरते? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर यह है कि पृथ्वी अपनी सतह पर मौजूद हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ अपने गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए खींचती है
और इसीलिए हम पृथ्वी से बाहर नहीं गिरते हैं, यानी पृथ्वी गोल होकर भी हम पृथ्वी से बाहर नहीं गिरते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमें अपने गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए पृथ्वी की सतह पर बांधे रखती है और इसी वजह से हम पृथ्वी से बाहर नहीं गिरते। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की कि अगर पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाए तो पृथ्वी के नीचे क्या दिखेगा। क्या हमारी पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है या फिर यूं ही अंतरिक्ष में लटक रही है। अब दोस्तों इस सवाल के जवाब में बहुत से लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन पर उठाया हुआ है, लेकिन दोस्तों इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आती। ये बात पूरी तरह काल्पनिक है कि पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन पर धारण किया हुआ है। तो फिर आखिर पृथ्वी के नीचे क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी के नीचे सिर्फ और सिर्फ खाली जगह मौजूद है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। हालांकि पृथ्वी हमारे सौर मंडल में मौजूद है और सौर मंडल हमारी आकाशगंगा में मौजूद है। ऐसे में अगर पृथ्वी के नीचे कुछ भी मौजूद हो सकता है तो वो आकाशगंगा में मौजूद धूल के कण, तारे या विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हो सकती हैं, परंतु वो भी बहुत दूर। दूर से मेरा मतलब है बहुत दूर, जहाँ पर धरती की निचली सतह से कोई लेना देना ही नहीं हो। तो दोस्तों अब अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का यही उत्तर निकल कर सामने आता है कि पृथ्वी के नीचे सिर्फ और सिर्फ खाली जगह मौजूद है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आशा करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली रहस्यमय वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मैं मिलूंगा हमारे चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।